अब रेल बजट आम बजट का ही हिस्सा होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। उसको मद्देनजर देखते हुए उसकी स्पेसिफिक डेट सरकार तय करेगी, क्योंकि पहले भी देखने को मिला है कि जब असेंबली के चुनाव हो रहे होते हैं, ये 2012 में भी था और 2007 में भी था, तो फिर सांसदों का दबाव होता है कि वो अभी कैंपेन में पॉलिटिकल पार्टीज लगना चाहती हैं। सो दैट कैलेंडर फॉर दिस ईयर, बिकॉज ये 5 साल में एक बार होता है कि 2007, 2012 और फिर 2017, ये कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है कि वो उसी साल आ रहा है। तो व्हाइल वी इन प्रिंसिपल आर इन फेवर ऑफ फिनिशिंग द इंटायर फाइनेंशियल बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट बिफोर 31st of March, so that the implementation can begin on the 1st of April and the expenditures can begin, the taxation proposals can begin, the actual dates will be decided after a consultation depending on the calendar of the state assembly elections. Iske atirikt do teen aur pramukh nirnay mein इस बार 15 अगस्त के भाषण में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि फ्रीडम फाइटर्स की जो पेंशन है या उनके हेयर्स को जो मिलती है, वारिसों को जो मिलती है, उसको 20% प्लस डीए के आधार पर बढ़ाया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने उस प्रस्ताव को आज स्वीकार किया। एक महत्वपूर्ण निर्णय था कि जो एडमिरलिटी ज्यूरिसडिक्शन के झगड़े होते हैं, मैरिटाइम क्लेम्स होते हैं, जो समुद्री जहाज आते हैं, तो पुराने 19वीं सेंचुरी के कानून चल रहे थे और उन्होंने केवल ज्यूरिसडिक्शन जो अधिकार दिया था कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के हाईकोर्ट्स को दिया था, क्योंकि जब वो कानून बने थे तो पोर्ट्स केवल इन 3 स्थानों पर होंगे और अब पूरे पेनिनसुला में अधिक अलग अलग राज्यों में, गुजरात से लेकर अगर जाएं हम केरल तक, कर्नाटक तक, चेन्नई, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कई राज्य ऐसे हैं जहां बहुत इफेक्टिव फंक्शनल इंटरनेशनल पोर्ट्स हैं। तो इसलिए वो जो पुराने लॉस को रिपील करके मंत्रिपरिषद ने एडमिरलिटी ज्यूरिसडिक्शन एंड सेटलमेंट ऑफ मैरिटाइम क्लेम्स बिल्स 2016 को आज स्वीकृति दी है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट का एक प्रपोजल था जिसमें यूएसओएफ जो फंड है तो केंद्रीय कैबिनेट ने जो फैसले लिए हैं उसकी जानकारी दी अरुण जेटली ने, और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि अब रेल बजट अलग से पेश नहीं किया जाएगा, आम बजट का वो हिस्सा होगा।